नमस्कार, मैं हूं निकिता। देश टीवी के प्रतिदिन समाचार में आप सभी का स्वागत है। खबरों की शुरुआत करते हैं बुलेटिन की इस वक्त की अहम खबरों के साथ। विधानसभा चुनाव की तैयारी में लगी राजनीतिक पार्टियां, सभी राजनीतिक पार्टियां कर रही अपनी अपनी जीत के दावे। नाबार्ड ने मनाया अपना 37वां स्थापना दिवस, सम्मान समारोह समेत किया गया पुस्तकों का विमोचन। नाचा गम्मत के माध्यम से कलाकार ले रहे हैं प्रशिक्षण, आयुष्मान भारत का गांवों में होगा प्रचार प्रसार। और जगन्नाथ मंदिरों में रथ यात्रा की पूरी तैयारी, मंदिरों में 3 दिवसीय उत्सव शुरू। और अब समाचार विस्तार से। जल्द ही विधानसभा चुनाव की तिथि की घोषणा कर दी जाएगी। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों में तैयारियों को लेकर हलचल तेज हो गई है। हर कोई जहां अपने अपने कार्यकर्ता पदाधिकारियों के साथ बैठक लेकर बूथ स्तर तक मतदाताओं तक पहुंचने में लगा है, वहीं प्रत्याशियों की चयन को लेकर भी बेहद गंभीर है। इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में राजनीतिक दलों में चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। हर पार्टी अपने अपने स्तर पर चुनाव में जीत हासिल करने पुरजोर मेहनत कर रहा है। ऐसे में भाजपा का कहना है कि उनकी तैयारी पूरी है, वे पिछले चुनाव के बाद से मेहनत कर रही हैं। ऐसे में उन्हें किसी भी पार्टी से हार का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। भाजपा की माने तो चुनाव के वक्त तैयारी ऐसी पार्टियां करती हैं जो 5 सालों तक सोई रहती हैं। भारतीय जनता पार्टी समय पे प्रत्याशियों की घोषणा करेगी, जो उसकी परंपरा रही है। हमारी तैयारी की बात करें तो हम बूथ लेवल से लेकर सभी मोर्चों पर अपनी तैयारी पूरी कर ली है। बस्तर से लेकर सरगुजा तक, सरगुजा और जमीनी तैयारी हमने पूरी कर ली है। पूरे प्रदेश में एक एक विधानसभा में हमारी तैयारी पूर्ण होगी। वहीं इस चुनाव की तैयारी के बारे में कांग्रेस भी सख्त है। लगातार कांग्रेस पदयात्रा करने के बाद बूथ स्तर तक कांग्रेस पहुंच चुकी है। सभी पदाधिकारियों समेत कार्यकर्ताओं को भी लगातार प्रशिक्षित किया जा रहा है। ऐसे में अब वे अनुविभागीय स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम जल्द करेंगे। कांग्रेस ने ये भी दावा किया है कि कब पार्टी मतदान केंद्रों तक पहुंच जाएगी। भाजपा को इसका पता ही नहीं चलेगा और कांग्रेस की जीत होगी। प्रदेश में परिवर्तन का माहौल बनेगा। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में पूरी तरीके से पिछड़ गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल, कांग्रेस के चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, विधायक दल के नेता टीएस सिंहदेव सहित सारे वरिष्ठ नेता शुरू से पदयात्राएं करते रहे, मुद्दे उठाते रहे। भारतीय जनता पार्टी के लोग एयर कंडीशनड दफ्तरों में और घरों में सोते रहे। अब चुनाव देखकर भाजपा जागी है। कांग्रेस ने बूथ कमेटियों का गठन भी बहुत पहले कर दिया है और पहले कांग्रेस ने 10,500 सेक्टर प्रभारियों का प्रशिक्षण किया और अब इसके बाद बूथ कमेटियों के प्रशिक्षण का काम भी पूरा हो गया है। अब कांग्रेस अनुभागों तक पहुंच रही है। कांग्रेस की जो मतदान केंद्र स्तर की तैयारी है, भारतीय जनता पार्टी देखते रह जाएगी और इस बार जनता कांग्रेस के पक्ष में निकल कर मतदान करेगी। छत्तीसगढ़ में परिवर्तन लाने के लिए, बदलाव लाने के लिए मतदान करेगी। वक्त है बदलाव का। आपको हम बता दें कि भाजपा और कांग्रेस के साथ साथ ज्योति कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी समेत बसपा भी पुरजोर प्रयासरत है। ऐसे में जहां भाजपा ने 65+ का दावा किया है, वहीं कांग्रेस ने तो पूरे 90 सीटों पर जीत हासिल करने की बात कही है। इसी तरह जनता जोगी कांग्रेस ने 72 सीटों पर फतह हासिल करना बताया है। फिलहाल चुनाव की तिथि नजदीक आती जा रही है। जल्द ही निर्वाचन आयोग विधानसभा चुनाव की तिथि तय कर देगा और फिर देखना होगा कि कौन सी पार्टी कितने से सीटों पर अपना कब्जा जमाती है और उनकी तैयारी कितनी सफल साबित होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, देश टीवी। उद्यानिकी विभाग के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को पिछले 2 महीने से वेतन नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में नाराज कर्मचारियों ने उद्यानिकी विभाग के दफ्तर में धरना प्रदर्शन किया, साथ ही वेतन नहीं मिलने तक धरना देने की चेतावनी दी। उद्यानिकी विभाग के कर्मचारियों ने गुरुवार को अपने ही दफ्तर में जमकर प्रदर्शन करते हुए अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी की। कर्मचारियों की मांग है कि शासन उन्हें समय पर वेतन दे और पीएफ की कटौती करे।
उन्होंने यह भी कहा कि कर्मचारियों ने इन मांगों के लिए अधिकारियों से लगातार बात भी की है, लेकिन अधिकारियों ने इन मांगों पर ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से कर्मचारियों को मजबूरन अपने ही परिसर में धरना देना पड़ रहा है। वहीं कर्मचारियों ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि समय रहते यदि हमारी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो आगे ये प्रदर्शन निरंतर जारी रहेगा। हम लोग उद्यानिकी विभाग के श्रमिक हैं और हम लोग वेतन नहीं मिलने पर हम लोग यहाँ आके धरना दिए हैं और एक महीना, डेढ़ महीना, दो महीना हो जाते हैं तब हम लोग को वेतन मिलते हैं। और यहाँ जब हम लोग आते हैं वेतन के बारे में तो बोलते हैं हम इंटर्न नहीं है, तो बिल नहीं लगा है, तो कई प्रकार के बहानाबाजी करते हैं लोग। और जो पीएफ जैसा करता है, जैसे कि प्राइवेट लिमिटेड में जैसा करते हैं पीएफ, जो आदमी कुछ भी हो जाए उसके लिए मतलब जो प्रावधान मिलता है वो हम लोग को मिलते नहीं हैं। और जितने भी मतलब हम लोग दैनिक वेतन भोगी हैं, हम लोग बहुत छोटे मतलब दैनिक वेतन भोगी हैं, जिसमें हम लोग को मंथली 8,620 रुपये मिलते हैं। और जी हम लोग को ये कहते हैं कि अभी हम लोग को पेमेंट अभी नहीं बना है, अभी नहीं दे सकते, ऐसा करके हम लोग बार 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 हम लोग को ये मतलब ये प्रताड़ित करते हैं हम लोग। आपको हम बता दें कि प्रदेश में इन दिनों आंदोलन और धरना प्रदर्शन की बाढ़ सी आई हुई है। इसी कड़ी में उद्यानिकी विभाग के कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया और अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। फिलहाल इन कर्मचारियों ने वेतन नहीं मिलने तक कामकाज बंद रखने की चेतावनी भी दी है। ऐसे में विभागीय कार्य पूरी तरह प्रभावित रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, देश टीवी। नाबार्ड ने अपना 37वां स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में नाबार्ड से जुड़े सभी अधिकारी और संस्थाएं शामिल हुई। इस मौके पर उत्कृष्ट कार्य करने वाली संस्थाओं को SHG अवार्ड से सम्मानित किया गया। साथ ही कार्यक्रम में बैंक लिंकेज कार्यक्रम, छत्तीसगढ़ और ई शक्ति पुस्तकों का विमोचन किया गया। गुरुवार को नाबार्ड ने अपना 37वां स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया। राजधानी में आयोजित इस समारोह में बड़ी संख्या में अधिकारी और नाबार्ड से जुड़ी संस्थाएं शामिल हुई। कार्यक्रम के अंतर्गत पहले नाबार्ड द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी गई, साथ ही नाबार्ड की उपलब्धियों को गिनाया गया। साथ ही उन उपलब्धियों में कृषक उत्पादक संस्थान और बैंकों की खास भूमिका होने पर खुशी जाहिर की गई। समारोह में ये भी सामने आया है कि कृषि के क्षेत्र में आ रही समस्याओं के चलते कई कार्य अटके हुए हैं। ऐसे में उन समस्याओं को दूर करने कई सुझाव भी दिए गए, जिन्हें समारोह के बाद सुझावों का संचालन करने की बैठक भी ली गई। छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा छत्तीसगढ़ कृषि का, यहाँ जो धान का कटोरा कहा जाता है, उसके साथ आज छत्तीसगढ़ में कई सारे चीज़ हो रहा है। RIDF में हम सौर सुजला योजना को सपोर्ट किए हैं, जिसमें सौर सुजला पंप सेट दे रहे हैं, किसान को सपोर्ट कर रहे हैं, हे किसान तू अपने मित्र को पहचान। और मध्य छत्तीसगढ़, उत्तर छत्तीसगढ़ और दक्षिण छत्तीसगढ़ में अभी कृषि जो परंपरागत कृषि है, खेतीबात कृषि है, और जो कृषक उत्पादन संघ है उस पर हम जोर दे रहे हैं। जो वनोत्पाद द्रव्य है उस पर भी हम जोर दे रहे हैं, जिमीकंद, इमली और सीताफल पर हम जोर दे रहे हैं, तेंदुपत्ता पर जोर दे रहे हैं, तेंदुपे आइसक्रीम हो रहा है और उसको हम बाहर भेज रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि गंगूबाई के जीवन में उसमें फ़र्क हो और उसके वैल्यू एडिशन दिया जाए, इसलिए नाबार्ड निरंतर काम कर रहा है। आपको हम बता दें कि समारोह में स्व सहायता समूह, बैंक लीकेज कार्यक्रम, छत्तीसगढ़ ई शक्ति स्व सहायता समूहों का डिजिटलाइजेशन और कृषि उत्पादक संगठन खुशहाली का उभरता सूरज समेत छत्तीसगढ़ में नाबार्ड सन 2017-18 पुस्तकों का विमोचन किया गया। वहीं उत्कृष्ट कार्य करने वाले स्व सहायता समूह, बैंक और साझेदार गैर सरकारी संगठनों को राज्य स्तरीय SHG अवार्ड से नवाजा गया। आपको हम बता दें कि ये कार्यक्रम हर साल आयोजित की जाती है ताकि सभी संगठन नाबार्ड के साथ मिलकर कृषि के क्षेत्र में उन्नत कर सके। साथ ही आ रही समस्याओं के निदान पर भी खास चर्चा किया गया। देश टीवी के लिए एम कोरलैया की रिपोर्ट। एक बार फिर शिक्षा कर्मी राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन करने जा रहा है। जी हाँ, सीनियर शिक्षा कर्मियों के साथ हो रहे अन्याय से शिक्षा कर्मियों में अब भी नाराजगी है। वे सरकार के खिलाफ 13 जुलाई से आंदोलन करेंगे।
रमन सरकार द्वारा संविलियन की घोषणा के बाद भी शिक्षा कर्मी एक नए आंदोलन की तैयारी में हैं। वह अपने सीनियर शिक्षा कर्मियों के साथ हो रहे अन्याय की वजह से सरकार के कदम से पूरी तरह संतुष्ट नहीं हैं। शिक्षा कर्मियों की मांग है कि क्रमोन्नति के आधार पर सातवें वेतनमान का निर्धारण किया जाए। वहीं 8 साल से कम सेवा वाले शिक्षा कर्मियों में भी नाराजगी है। उनका आरोप है कि हर बार समय का बंधन रखकर उनके साथ छलावा हो रहा है। ऐसे शिक्षा कर्मियों ने आंदोलन की भी घोषणा कर दी। संविलियन की लड़ाई में सबसे महत्वपूर्ण योगदान देने वाले छत्तीसगढ़ शिक्षक पंचायत नगरीय निकाय मोर्चा ने इस फैसले का स्वागत किया है। सात विसंगतियों को लेकर उनके मन में कई आशंकाएं हैं। मोर्चा की मांग है कि इस विसंगतियों को भी सरकार समय रहते दूर करे। शिक्षा कर्मियों की मांग है कि सभी शिक्षा कर्मियों का संविलियन किया जाए और सभी शिक्षा कर्मियों के वेतन का निर्धारण क्रमोन्नत वेतनमान के आधार पर हो। शिक्षा कर्मी वर्ग 3 की वेतन विसंगति को सुधार कर समानुपातिक समकक्ष वेतन प्रथम नियुक्ति तिथि के 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर क्रमोन्नत वेतनमान, संविलियन के बाद प्रथम नियुक्ति तिथि से वरिष्ठता का लाभ जैसी अन्य मांगे शामिल है। छत्तीसगढ़ शिक्षक महासंघ के अध्यक्ष नानी दीवान ने बताया कि मांगे न माने जाए पर वे 13 जुलाई से मुख्यमंत्री के नाम पोस्ट कार्ड अभियान चलाएंगे। शिक्षा सचिव जी से जब हमारी मुलाकात हुई थी तो इसी बात को हम लोगों ने रखा था कि सर किसी का भी जो वरिष्ठता है वह किसी प्रकार से मार नहीं खाना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि आपके वरिष्ठता पर किसी प्रकार का आघात नहीं होगा। आपके सेवा काल के प्रारंभ से ही गणना किया जाएगा और वहां से प्रारंभ से लेकर 8 वर्ष की समय वर्ष को मान्य किया जाएगा। पर उनके निर्देश के बाद भी आज नीचे स्तर के आला अधिकारी अलग अलग बोल रहे। आपको हम बता दें कि 22 जुलाई सभी जिलों में प्रदर्शन के बाद सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। 23 जुलाई को विशाल रैली रायपुर में निकाली जाएगी। महासंघ की माने तो क्रमोन्नति की योग्यता रखने के बावजूद हमारे 70,000 शिक्षकों को लाभ नहीं मिल पा रहा है, जबकि रिटायरमेंट के करीब पहुंच चुके 20,000 शिक्षक लाभ न मिलने से आहत हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, देश टीवी।